हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर लव्ड चैनल ऑफ फिजिक्स थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई एम आदित्य सिंह गोइंग टू टीच यू टुडे अबाउट मीजरमेंट एंड यूनिट एंड दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट और व्हाट वी विल टीच यू टुडे ओके गाइस तो आइए जानते हैं कि मेजरमेंट अर्थात मापन और यूनिट यानी मात्रक क्या चीज है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ओके okay? सो so, जैसा कि हमने लेक्चर वन में डिस्कस किया था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर देअर फोर इट इज रियल वॉट डज इट मीन कि कोई भी फिजिक्स का रूल फ्रेम नहीं कर सकता क्योंकि ये रियल चीजें हैं रियल फिनोमिना है ओके वॉट वी कैन डू वी ओनली डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर बाई ऑब्जर्वेशन जैसे न्यूटन ने ईयर 1666 में ग्रेविटेशनल लॉ दिया बाय ऑब्जर्विंग फॉल ऑफ एप्पल इवेंट तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने ऑब्जर्वेशन से ग्रेविटेशनल लॉ को बनाया और या कि एप्पल जमीन में कैसे गिर रहा है सो so, उस फिजिकल फिनोमिना को उसने उस लॉ से एक्सप्लेन किया इट डजेंट मीन की ईयर 1666 यानी सेवनटीन सेंचुरी से पहले कोई एप्पल या कोई ऑब्जेक्ट फाल नहीं होता था धरती में गिरता नहीं था ही वॉज जीनियस उसने ये लॉ बनाया सो so, वो उस इवेंट और फिनोमिन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाया इन फ्यूचर आप में से कई से ऐसे जीनियस साइंटिस्ट बनेंगे जीनियस फिजिसिस्ट बनेंगे जो कि डिफरेंटली सोचें एंड ट्राई टू रिलेट रियल लाइफ चेंज इज ओनली परमानेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स मतलब प्रकृति का नियम सिर्फ एक ही है परिवर्तन ओके गाइज सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वॉट डज इट मीन एंड इसके बीच में क्या रिलेशन है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बिकम्स ईजी इफ यू हैव फ्रीडम टू यूज मैथमेटिक्स बिकॉज मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स की भाषा है तो अगर हमें मैथ समझ अगर हमें फिजिक्स समझना है तो हमें मैथ का आना बहुत ही जरूरी है अब मैथ में अपना अल्जेब्रा, टिग्नोमेट्री कैलकुलस ये सब इन्वॉल्व है तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कि मैथ एंड फिजिक्स आर physics are correlated okay so now come to next topic which is measurement and its need since physics is the study of measurement that is in order to explain or describe a physical quantity measurement is necessary or you can say it is must without measurement a description of a physical quantity ज इंपॉसिबल ओके सो लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं तो आप सब लोग मुझे लगता है सभी के सभी लोगों को यह एग्जाम्पल तो सीधा डायरेक्टली आप रिलेट कर पाओगे तो आप सब लोग मिल्कमैन से मिल्क लेते टाइम क्या बोलते हैं भैया एक लीटर या दो लीटर मिल्क दे दीजिए तो आपको क्या करता है कि बाई मिजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो आपको एक लीटर या दो लीटर मिल्क मेजर करके दे देता है या आप मार्केट में जब सब्जी लेने जाते हो तो आप वेंडर से जब बोलते हो कि भैया सब्जी दे दीजिए तो वहां पे आपको वेंडर मेजरमेंट के बाद सब्जी देता है ओके सो यहां पे लाइक फिजिकल क्वांटिटी है इन दोनों में फिजिकल क्वांटिटी सो मिल्क वाले एग्जांपल में है इन मिल्क एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी थी आप हमारी वॉल्यूम ओके okay? अब उसने मीजरमेंट कैसे किया आपका मीजरमेंट था वन लीटर ओके और टू लीटर ओके सो वॉट डज वन सो वॉट डज लीटर मीन वॉट डज टू मीन एंड वॉट डज लीटर मीन सो हियर वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड इज लीटर इज योर यूनिट ओके एंड वॉल्यूम इज योर फिजिकल क्वांटिटी इन वेजिटेबल वेजिटेबल एग्जाम्पल में आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या थी यू कैन से योर मास ओके दो के जी आलू दे दो या हाफ के जी टमाटर या पांच सौ ग्राम टोमेटो सो दिस इज योर मास इज योर फिजिकल क्वान्टिटी ओके एंड टू के जी सी दिस इज टू इज योर टू इज योर नुमेरिकल वैल्यू एंड के जी इज योर यूनिट और फाइव हंड्रेड ग्राम और हाफ के जी सो हियर हाफ इज योर नुमेरिकल वैल्यू एंड के जी इज योर यूनिट फाइव हंड्रेड इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ग्राम इज योर यूनिट सो स्टूडेंट्स बाय दिस एग्जांपल यू कैन क्लियरली से दैट मीजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। बिकॉज इन दिस बोथ एग्जांपल बेंडर या मिल्क मैन ने किसी इंस्ट्रूमेंट और वेट से कंपेयर करके ही आपको वो चीज दी ओके सो यू कैन additionally say that measurement requires two things okay one is your numerical value numerical value and other is unit okay uh, what does it these things mean like as we discussed one kg so this is numerical value and this is unit. न्यूमेरिकल वैल्यू मस्ट बी अ डिफाइंड नंबर अब ऐसा ना हो कि आपकी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वही अनडिफाइंड हो ओके okay? तो आप क्या बोलोगे दुकानदार से कि मुझे अनडिफाइंड के जी आलू दे दो या अनडिफाइंड के जी दे दो और यूनिट क्या होती यूनिट मतलब मात्रक तो मात्रक की डेफिनेशन क्या है यूनिट इज एन आर्बिट्रेली चोजन स्टैंडर्ड ऑफ अ डेफिनेट मैग्निट्यूड मतलब कि कोई भी स्वेच्छा से चुना गया एक निश्चित परिमाण के मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं ओके अब स्वेच्छा से चुना मतलब आर्बिट्रेरली चोजन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पर्सन कोई भी यूनिट चुन ले नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक इंटरनेशनल बॉडी है और एक इंटरनेशनल संस्था है जिसमें बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट के सजेशन के बाद कोई एक हम यूनिट चूज करते हैं ओके और हर यूनिट के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ओके सो so, यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं वो यूनिट मस्ट बी वैलिड एट इंटरनेशनल लेवल ओके इंटरनेशनली उसको वैलिडिटी मिली हो ओके इजली एक्सेसिबल हो ओके okay? हम उस यूनिट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं ओके एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इन वेरिएबल हो इनवेरिएबल मतलब प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो पता चला मास की यूनिट इंडिया में कुछ और है यूएसए में कुछ और है जर्मनी में कुछ और है ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है तो ऐसा ना हो यूनिट इन वेरिएबल हो मतलब वो फिक्स हो ओके सो दीज आर क्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सो हू डिसाइड्स द यूनिट तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि देयर इज एन इंटरनेशनल बॉडी सी जी पी एम नोन फॉर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर सो दिस बॉडी डिसाइड्स द यूनिट कि क्या यूनिट होंगी इसका क्या यूनिट होना है सो so, वो बॉडी डिसाइड करती है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो फ्रांस में लोकेटेड है ओके एंड व्हाट इज एसआई यूनिट एसआई यूनिट का क्या है कि इन 1971 सीजीपीएम डिसाइडेड अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स व्हिच इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट अब मे बी आप में से किसके दिमाग में ये आया क्वेश्चन या ये डाउट आया कि इसका नाम तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जबकि ये लिखा है एस SI, तो इसका नाम तो सिस्टम इंटरनेशनल होना चाहिए सो so, ऐसा नहीं है एक्चुअली इस ये फ्रेंच में लिखा हुआ है क्योंकि इसका क्वार्टर फ्रेंच में है सो एस आई फॉर ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स ओके सो इट इज़ फ्रेंच लैंग्वेज सो एस SI आई के अलावा और भी हमारे कुछ सिस्टम हैं जो हमारे यूनिट के सिस्टम्स हैं ओके तो वो और कौन कौन से सिस्टम हैं तो एस आई सिस्टम आपको पता चल गया कि एस SI आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एस आई के अलावा हमारे सिस्टम हैं एम के एस दिस इज़ मीटर किलोग्राम सेकेंड C.G.S. सेंटीमीटर सेंटीमीटर किलोग्राम सेकेंड एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड ओके सो पाउंड को यूजुअली एल से डिनोट करते हैं फुट को एफ से मीटर को एम से इसको के जी से सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि किसको किससे डिनोट करते हैं सो so ये एफपीएस सिस्टम इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में नहीं यूज़ होता ये यूज़ुअली यूके एंड यूएस फॉलो करते हैं ओके okay गाइस। और जो ये एस SI सिस्टम है एस SI सिस्टम या एस यूनिट्स हैं इनको आप बोल सकते हैं दीज आर मॉडिफाइड मॉडिफाइड एम के एस यूनिट्स ओके नाउ कम टू फिजिकल क्वांटिटी तो बच्चों जैसा कि हम लोग अभी इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं दट अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनी थिंग विच कैन बी मीजर्ड ओके सो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ओके okay? दो पार्ट्स इसके दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वन फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड इज ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हैं आर बी चोजन फिजिकल क्वांटिटी। विद द हेल्प ऑफ दिस आल अदर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कि ऐसी राशियाँ जिनको जिनकी हेल्प से हम बाकी दुनिया जहां की सारी भी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर पाए दोज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी ओके सो टिल डेट अभी तक सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल या बेस quantities and टू supplementary क्वांटिटीज आर आर defined ओके okay? तो सात फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं इनके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं आप किसी भी बुक में कहीं भी आपको इनके बाद जो भी क्वांटिटी दिखे दैट इज दिस ड्राइव क्वांटिटी ओके तो अब आपको ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हैं दैट ऑल अदर क्वांटिटीज एक्सेप्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ड्राइव क्वांटिटी दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय विद the help of fundamental quantities like area, volume, force and its units are known as drive unit. Okay, so here is the table of fundamental quantities so here is the table so these are the fundamental quantities first length mass time electric current thermodynamic temperature amount of substance luminous intensity or these two are supplementary quantities plane angle and solid angle in k a respective units and these are symbols सो लेंथ का सिंबल स्मॉल एम मास का सिंबल स्मॉल के जी टाइम स्मॉल एस इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर इज कैलविन एंड इज इज कैपिटल के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, एंड इट्स एम ओ एल ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडला सी डी दिस इज प्लेन एंगल इट्स यूनिट इज रेडियन सिंबल इज आर एडी एंड सॉलिड एंगल इज स्टेडियन एंड इट्स सिंबल इज एस आर ये जो भी सातों फंडामेंटल क्वान्टिटीज हैं और दोनों सप्लीमेंट्री क्वान्टीज ये आपको बाई हार्ट रटी होनी चाहिए बच्चों क्योंकि ये आपको हर एक फिजिकल क्वान्टिटी में जो भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वान्टिटी है उसमें यूज होगी अब मैं आपको बताता हूं ये जो तीन है लेंथ, मास टाइम ये आपकी रिलेटेड हैं मैकेनिक्स से ओके जितनी भी मैकेनिक्स है सब में ये तीनों क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट हैं ओके बस इन्हीं तीनों क्वांटिटीज से मिलके आपकी मैकेनिक्स बनी है इलेक्ट्रिक करंट में आपका इलेक्ट्रोथर्मोडाइनमिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रो नॉट इलेक्ट्रो थर्मोडाइनमिक्स तो हमने जो इलेक्ट्रोडाइनामिक्स का सेग्रीगेशन किया था चैप्टर वन में उससे रिलेटेड है ये इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर केल्विन ओके ये आपका थर्मोडाइनामिक्स से रिलेटेड है ओके समटाइम्स इसकी यूनिट जो है इसको थीटा भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का कितनी मात्रा है उसकी हम बताने के लिए हम मोल यूज करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स में ये रिलेटेड है ऑप्टिक्स से प्लेन एंगल आपका सर्किल से रिलेटेड है यानी टू डायमेंशन से और सॉलिड एंगल आपका रिलेटेड है स्फीयर से ओके तो ये आपको पूरी टेबल यानी सात फंडामेंटल क्वांटिटी और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बाय हार्ट रटी होनी चाहिए प्लीज बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप आगे चल के आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है सो प्लीज़ आई एम इंसिस्टिंग यू कि आप इन क्वांटिटीज़ को एक बार पूरा गो गोथ्रो हो लें इसको आप पूरा का पूरा देख लें समझ लें नाउ कम टू एस आई प्रिफिक्स एंड इट्स यूज सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेरी ओवर अ वाइड रेंज एग्जाम्पल कि जैसे अर्थ एंड सन की डिस्टेंस कितनी है सपोज करो ये हमारी अर्थ है और दिस इज़ आर सन सूरज इसके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है तो इसके बीच की डिस्टेंस है टोटल पंद्रह करोड़ किलोमीटर ओके okay? तो अब इस डिस्टेंस को एसआई SI यूनिट में लिखने के लिए और शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग एस आई प्रिफिक्स का यूज करते हैं ओके okay? बिकॉज अगर हम एस आई प्रिफिक्स का यूज नहीं करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे पंद्रह दिस इज पंद्रह करोड़ ओके सो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज पंद्रह दिस वन टू थ्री फोर सेवन दिस इज फिफ्टीन करोड़ किलोमीटर ओके सो दिस इज नॉट वेरी अपीलिंग एंड स्टैंडर्ड सो वी विल यूज एस एसआई प्रीफिक्स एंड हम लोग इसको कैसे ल, लिखेंगे विल जस्ट राइट दिस डिस्टेंस दिस डिस्टेंस दिस फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन टू दावर सेवन किलोमीटर ओके और इसको अगर प्रॉपर एस आई क्योंकि डिस्टेंस की एस आई यूनिट क्या थी हमारी लेंथ की वो थी हमारी अभी फंडामेंटल यूनिट आप लोगों ने पढ़ा ना तो याद होना चाहिए तो उसकी यूनिट थी मीटर तो हमें इसको मीटर में लिखना है तो वन किलोमीटर इज्कल टू एक हज़ार meter, 1000 meter. So, this is 10 to the power 7 and 10 to the power 3 meter. So, this will be 15 into 10 to the power 10 meter. So, distance between earth and sun, earth and sun is this. okay So, this is a standard matter. स्टैंडर्ड मैनर ऑफ राइटिंग और लॉन्ग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ओके बच्चों तो यहाँ पे इसका एस आई प्रिफिक्स का यूज आता है अब चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ओके टेन टू द पावर माइनस थर्टी के जी सो दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग ओके बाई यूजिंग बाई यूजिंग एस आई प्रिफिक्स ओके अब अगर हम इसको इस तरह की सिंपल मैथमेटिक्स से लिखेंगे तो वो क्या आएगा इसका जीरो पॉइंट जीरो 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 डॉट 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 अप टू थर्टी टाइम्स जीरो एंड दिस इज नाइन वन ओके सो ये आपका पूरा का पूरा, पूरा पेज भर जाएगा So, इसलिए हमें एस SI आई प्रिफिक्स की नीट पड़ी ओके इसलिए सी ने जो इंटरनेशनल बॉडी थी जिसने यूनिट्स डिसाइड किया था तो उसने स्टैंडर्ड फिजिक्स स्टैंडर्ड प्रिफिक्स को सर्टेन पावर ऑफ टेन यानी दस की घातों के ऊपर डिसाइड किया हमें ईज ऑफ फिजिक्स के लिए ओके अब उनकी टेबल क्या है उसकी टेबल मैं आपको बताता हूं उनको कैसे पढ़ते हैं उसका कैसे सिंबल्स होते हैं ओके सो हियर इज द टेबल सो दीज आर प्रीफिक्स ओके सो दिस इज पावर ऑफ टेन प्रिफिक्स दिस इज सिंबल इफ टेन टू द पावर फिफ्टीन तो उसको बोलेंगे पेटा ओके okay? इसका सिंबल है पी टेन टू द पावर ट्वेल्व टेरा इसका सिंबल है कैपिटल टी गीगा कैपिटल जी मेगा कैपिटल एम टेन टू पावर थ्री किलो स्मॉल के हेक्टो स्मॉल एच डे का स्मॉल डी ए माइनस वन डे सी स्मॉल डी माइनस टू स्मॉल सी मिली माइनस थ्री ओके स्मॉल एम माइक्रो दिस इज μ, this is minus nine, this is nano, this is pico, ten to the power minus twelve, so this is pico, a small p, and this is ten to the power minus fifteen, this is known as femto or fermi. Okay? तो इसके बाद मैंने ये डॉट इसलिए लगाए हैं कि इसके बाद कुछ ना कुछ ऐड होगा, nano, gram, nano kilogram, pico meter. माइक्रोमीटर ओके सो इसका टर्म करेंगे ऐप से ओके सो दीज आर टेबल ऑफ द एस आई प्रिफिक्स तो इनका भी अप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है मतलब आपको कोई भी यूनिट है कोई भी बड़ा सा नंबर है उसको स्मॉल में और प्रिसाइज़ वे में लिखने के लिए ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों प्रिफिक्स का यूज करते समय आप ये बात हमेशा याद रखें कि कभी भी दो प्रिफिक्स एक साथ कभी यूज नहीं करना जैसे टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व लिखा है तो आप इसको पिको ही लिखें ना रादर देन रादर देन माइक्रो माइक्रो ओके सो ये चीज हमेशा याद रखें कि कभी भी दो प्रीफिक्स एक साथ यूज नहीं करना है सो नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट सो बच्चों ये सात यूनिट और इनकी रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको पूरे के पूरे फिजिक्स में इवन केमिस्ट्री में भी आपको यूजफुल हैं। तो ये आपको बिल्कुल बाई हार्ट आपको याद होनी चाहिए ओके okay? तो दिस इज़ योर होमवर्क ओके क्योंकि ये बेस यूनिट्स हैं इनकी प्रॉपर डेफिनीसन है तो आप इसको एन की बुक से पढ़ लीजिएगा प्लीज़ और प्लीज़ सिंसियरली आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर होइएगा ओके एंड रेस्ट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और जस्ट फाइंड माई कॉन्टैक्ट एड्रेस इन द डिस्क्रिप्सन ओके सो लेज़ाम्पल ओके बच्चों एंड अगेन ये मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये जो फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ हैं ओके जैसे मीटर लेंथ मीटर की रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वान्टिटी है वो है लेंथ इसके किलोग्राम इसकी मास इसकी टाइम तो ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं मैकेनिक्स से ओके okay, बच्चों बहुत ध्यान देना कि मैकेनिक्स में जितने भी सवाल होंगे जितने भी फॉर्मूला होगा जितना भी डायमेंशन होगी अभी हम अगला चैप्टर कल यही पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस ओके तो वो सब में मीटर किलोग्राम और सेकेंड से ही सारा खेल होगा ओके okay? एम्पियर ट्वेल्थ में जब हम इलेक्ट्रो पढ़ेंगे तो वहाँ पे एमपियर भी ऐड हो जाएगा अभी हम कुछ दिनों बाद थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये केल्विन ऐड हो जाएगा ओके यानी थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर फिर मोल जिस किसकी यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आपको हिंदी मीडियम के बच्चों आप समझिए पदार्थ की मात्रा बोलते हैं ओके पदार्थ की मात्रा ओके तो ये आप जब भी ट्वेल्थ में या एलेवेंथ की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आप देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में तो वहाँ आपको ये मिलेगा कैंडला ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ये यूजफुल है ऑप्टिक्स में ओके बच्चों तो इन सातों यूनिट्स की डेफिनीसन आप देख लीजिएगा और दो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी एक था हमारा एंगल प्लेन एंगल एंड दूसरा था हमारा सॉलिड एंगल तो प्लीज बच्चों आप इनकी डेफिनेशन एक बार एन -E की बुक से एन -E की बुक से ऑनलाइन होगी आप उससे देख सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा आप इससे भी देख सकते हैं ओके सो नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल ओके सो so दैट कि आपको थोड़ा फिजिक्स को फिजिक्स फील होगी ओके क्वेश्चन वन इज कैलकुलेट द एंगल इन रेडियन ओके तो रेडियन किसकी यूनिट थी प्लेन एंगल ओके बच्चों ऑफ द फॉलोइंग तो ए ऑप्शन है पहला पहला पार्ट वन डिग्री बी पार्ट वन मिनट वन दिस कॉमा इज वन मिनट इसको बोलते हैं मिनट ऑफ आर्क वन आर्क सेकेंड ओके या नॉर्मल वन सेकेंड सेकेंड हाफ आर्क या आर्क सेकेंड ओके यहाँ पे यूज क्या करना है या गिवन क्या है आपको 360 सिक्सटी डिग्री इज टू पाई रेडियन वन डिग्री इज सिक्सटी मिनट एंड वन मिनट इज सिक्सटी सेकेंड ओके बच्चों सो लेट्स डू पार्ट ए हमें क्या करना है बस रेडियन में एंगल गैद करना है ओके एंगल फाइंड आउट करना है यानी हमारा ऑब्जेक्टिव है बस प्लेन एंगल फाइंड आउट करना ओके प्लेन एंगल क्या था प्लेन एंगल हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट था कौन सी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी वो वो हमारी दिस इज दिस इज योर यूनिट एंड दिस इज योर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ओके बच्चों तो आप क्या कहा है कि फाइंड आउट एंगल ऑफ वन डिग्री ओके अब सिंस इट इज गिवन ये दिया गया है थ्री सिक्सटी डिग्री इक्वल टू टू पाई रेडियन ओके सो नॉर्मल बाय यूजिंग यूनिटरी लॉ या हिंदी में बोलते हैं इसको एकिक नियम के यूज से सो यहाँ से वन डिग्री इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी रेडियन और पाई बाई दिस इज वन एट्टी रेडियन ओके अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो दिस विल बी ज़ीरो पॉइंट वन सेवन फोर फाइव थ्री टू नाइन डॉट 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 मल्टीपल नंबर ओके सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड नंबर ओके तो अभी हम इसको स्मॉल फॉर्म में रिड्यूस करके लिखेंगे ये कैसे हम स्मॉल फॉर्म में रिड्यूस कर पा रहे हैं ये अभी आपको जब इससे नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस के बाद जब हम चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे हम रिड्यूस कर रहे हैं ओके okay? तो इसको हम रिड्यूस करके लिखते हैं दिस साइन इज दिस साइन वॉट डज इट मीन इट इज अप्रॉक्सीमेट ओके बच्चों ये बहुत ध्यान देना बराबर दिस इज इक्वल एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट ओके सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है बट इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर ओके तो ये हो होगा इसका अप्रोक्सीमेट दिस रेडियन तो वन डिग्री इजक्वल टू हम लिखेंगे वन डिग्री इजक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर रेडियन ओके बच्चों। सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू बी पार्ट सो अब हमें वन मिनट में कितने रेडियन एंगल है अब हमें वो फाइंड आउट करना है चूँकि यहाँ पे क्या गिवेन है वन डिग्री इज्कल टू सिक्सटी मिनट एंड पार्ट वन में हमने क्या निकाला है कि वन डिग्री इज्कल टू दिस मच रेडियन ओके सो सिक्सटी वन डिग्री इज्कल टू सिक्सटी मिनट एंड वन डिग्री इज टू ऑल्सो जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर रेडियन ओके okay, बच्चों तो या तो आप चाहिए ये इक्वल्स करें या आप ये इक्वल्स करें या आप ये दोनों इक्वल्स करें सब ये सेम है ओके okay? बराबर के साइन लगे ओके सो सिक्सटी मिनट इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर रेडियन सो बाय सेम बाय यूनिटरी लॉ यानी एक एक नियम से वन मिनट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर बाई सी रेडियन अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी आपकी वन डिग्री इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 टू नाइन एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो यहां पे बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सारे जीरो जीरो हो गए तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अभी हमने पिछले अभी पीछे क्या पढ़ा था एस आई प्रिफिक्स एस आई प्रिफिक्स पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ओके तो अब हम इस गंदे से नंबर को यानी जो गंदा सा ये रेडियन आया है हमारा वन मिनट इक्वल टू तो अब हम इसको एस आई प्रिफिक्स की हेल्प से हम इसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वन डिग्री इज्कल टू देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने अंकों बाद ये है सो वन टू थ्री फोर ओके सो टू पॉइंट नाइन अब फोर पॉइंट बाद हमने ये डेसिमल लगाया तो अब हम इसको लिख देंगे टेन टू पावर माइनस फोर बिकॉज दिस इज डेसिमल ओके सो डेसिमल के हम जितने पॉइंट बाद लगाते हैं जितने पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं उतनी ही हम उसकी पावर लगा देते हैं सपोज करो हम अगर पांच पूरे पांच के पांच कंसीडर कर लेते हैं तो हम पांच अंक बार लगा देते हैं अथवा ये अप्रॉक्सीमेट हो जाता 29 ट्वेंटी नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव रेडियन ओके बच्चों तो यहाँ पे हमारा एस आई प्रिफिक्स का यूज हुआ सो दिस इज दिज आर स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ कम टू पार्ट सी अब पार्ट सी में क्या निकालना था कि वन सेकेंड में हाउ मच रेडियन ओके वन मिनट इज क्वल टू सिक्सटी सेकेंड ओके दिस इज गिवेन दिस इज गिवेन ओके सो यूनिटरी लॉ एंड हमें क्या पता है वन मिनट इजक्वल टू ये पार्ट बी से हमें पता है कि वन मिनट में टू पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर रेडियन इज हियर ओके सो दिस इक्वल्स टू दिस सो सिक्सटी सेकेंड इक्वल्स टू टू पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर रेडियन सो वन सेकेंड इजक्वल टू टू पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस फोर बाई सिक्सटी रेडियन बाई यूजिंग सेम यूनिटी लॉ whatever you used in part a and part b so what it comes out as approximated 4.8 into 10 to the power minus 6 okay but so this is use of unitary law and use of si prefix okay but so bachcho, here is question 2 so question 2 is let वेलासिटी ऑफ अ कार इज थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर कन्वर्ट इट इन टू मीटर पर सेकेंड सो हियर वेलासिटी इज योर फिजिकल क्वांटिटी कैसी फिजिकल क्वांटिटी है ड्राइव्ड ओके बिकॉज दिस इज किलोमीटर पर आर ओके मतलब किलोमीटर इज लेंथ एंड आर इज टाइम सो दिस इज ड्राइव्ड ओके बच्चो सो लेस डू दिस सिंस वी नो वन किलोमीटर इक्वल्स टू थाउजेंड मीटर एंड वन आर इजल टू सिक्सटी मिनट एंड वन मिनट इजक्वल टू सिक्सटी सेकेंड सो वन आर इक्वल टू सिक्सटी मिनट और सिक्सटी इंटू सिक्सटी 16 to 60 second so this is 6 into 6 36 and 2 0 this is 3600 second okay but 1 hour is equal to okay so now 36 kilometer per hour this changes meter per second so 36 is at it is 1 kilometer is equal to 1000 meter and वन आर इजल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड ओके बच्चों? सो दिस जीरो दिस जीरो गॉन थर्टी सिक्स टू थर्टी सिक्स गॉन सो दिस विल बी थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर इजल टू टेन मीटर पर सेकेंड और सिंपली यू कैन यू कैन सी कि वन किलोमीटर पर आर इसकोल टू टेन बाई थर्टी सिक्स और फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड सो दिस इज़ ऑल्सो यूज इन कन्वर्जन इन काइनामेटिक्स तो जब हम आगे काइनामेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत यूज़ होता है मीटर पर सेकेंड दिस किलोमीटर पर आर कन्वर्जन टू मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन टू किलोमीटर पर आर सो बच्चों ये अभी एग्जाम्पल थे ये दोनों एग्जाम्पल आपको बस समझाने के लिए थे सो दिस इज एंड ऑफ आर लेक्चर टू पॉइंट मेजरमेंट एंड यूनिट्स ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट मतलब अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉपरली समझ में आ गई तो आप लोगों ने फिजिक्स को 60 टू 70 परसेंट ईजिली समझ लिया दैट्स माई प्रॉमिस ओके सो स्टेट्यूम थैंक यू सो मच